हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस रावत की रसोई में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ पनीर मसाले की रेसिपी। आई होप यू गाइस लाइक दिस रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें लेना है एक पैन और उसमें डालना है हमें एक कटोरी तेल। तेल गरम हो जाए तो उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे हमने बारीक और पतले कट कर लिए हैं। हम इसे डीप फ्राई करेंगे, इसलिए हम इसे छोटे पीस में नहीं कट करेंगे, इसे हमें पतले और लंबे कट करना है। और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट हमें इसी तरह तेल में फ्राई करना है, गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। सो हमें कंटिन्यू इसे इसी तरह चलाते हुए गरम कर लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम आंच पे होना चाहिए। फ्रेंड्स, प्याज को गोल्डन भूनने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पनीर मसाले में। सो अब हमारा जो प्याज है वो बिल्कुल अच्छे से ब्राउन और क्रिस्पी हो गया है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे 10 से 12 लहसुन और 2 टुकड़े अदरक के, और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज के साथ ही। सो अब हमारे लहसुन और अदरक दोनों भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं प्याज के साथ में, और इसे अब हम एक प्लेट में निकालेंगे। फ्रेंड्स, अब हमें इस मसाले को अच्छे से ठंडा होने देना है, और उसके बाद हम इसे मिक्सर में पीस के इसका अच्छा से एक पेस्ट बना लेंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही इसे मिक्सर में डालें। अब हम लेंगे 2 टमाटर मीडियम साइज़ के और 3 से 4 हरी मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन टमाटरों का हम छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर लेंगे और मिक्सर जार में डाल के हम इसको एक पेस्ट बना लेंगे। सो अब हमारा टमाटर और मिर्ची का पेस्ट रेडी है। इसी तरह आपको भी रेडी करना है और इसे हम मसाले में यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम रेडी करेंगे पनीर ग्रेवी। और इसके लिए हम लेंगे तेल, और ये वही वाला तेल है जो हमने प्याज को फ्राई करने के वक्त इस्तेमाल किया था। और इसमें ऐड करेंगे हम अक्खे मसाले, जो कि सबसे पहले हमें ऐड करना है तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, स्टारेंस और लौंग 3 से 4। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा, और इसे हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई होने देंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और मिर्ची की प्यूरी जो हमने मिक्सर में पीसी हुई थी, और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। सबसे पहले हमें टमाटर और मिर्ची ही ऐड करना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1/2 चम्मच और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि अब आपका गैस का फ्लेम है जो वो स्लो होना चाहिए। स्लो गैस में हम इसे कम से कम 5 से 10 मिनट इसी तरह चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमें इस मसाले को 5 से 10 मिनट तक तब तक चलाते रहना है जब तक इसमें से जो एक्स्ट्रा तेल है वो छूट नहीं जाता है। जैसे ही तेल छोड़ने लग जाएगा, इट मीन्स हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। सो अब हमारा जो मसाला है, आप देख सकते हैं कि साइड साइड से धीरे धीरे तेल छोड़ने लग गया है। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे स्लो गैस पे ही, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 10 से 15 मिनट तक इसे भी हम अच्छे से स्लो गैस पे अच्छे से पकाएंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम एवरेस्ट का शाही पनीर मसाला 1 चम्मच और 1/2 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्रेंच शाही पनीर मसाला ऐड करने के बाद में इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। सो आप भी बिल्कुल ऐड करिए इसे। और इसके बाद अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे स्लो गैस पे ही। सो अब लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और इसे अब हम चेक कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से मसाला रेडी हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा पानी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ पानी का, और ये लगभग 2 से 3
पर्सन इसे खा सकते हैं, उतना क्वांटिटी में ये बन गया है। सो अगर आप ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। और पानी ऐड करने के बाद में इसे हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मीडियम आंच पे पका लेना है। और साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर क्यूब, और यहाँ पे मैंने पनीर छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पनीर को डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसे फ्राई करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं क्रिस्पी बना के। सो मैं डायरेक्टली इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे सॉफ्ट पनीर ज़्यादा पसंद है। सो इसे भी अब हम मसाले के साथ में 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मीडियम आंच पे पकाएंगे। सो अब हमने अच्छे से पनीर को भी मसाले के साथ में मिक्स कर लिया है, और इसे अब हम ढक के 2 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से। सो अब ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है पनीर के साथ में। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पनीर मसाला है वो बहुत ही अच्छे कलर और बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ बन गया है। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच घी। घी डालने से जो मसाले का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, साथ ही जो कलर है वो भी इन्हांस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि जो आपका पनीर मसाला है वो बहुत ही टेस्टी बने। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 मिर्ची, साथ ही ये दिखने में भी अच्छा और स्पाइसी लगे। सो अब हमने इसमें मिर्ची भी ऐड कर लिया है, और अब हम गैस को ऑफ़ कर लेंगे और इसे अब हम सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो पनीर मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स, इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल मेंशन किया हुआ है। साथ ही अगर आपको मसालों की डिटेल चाहिए होगी या फिर आपको परचेस करना होगा तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है, आप उसके थ्रू परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना क्योंकि विदाउट बेल आइकन के आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर वंस अगेन फ्रेंड्स, बाय बाय।